किन सिचुएशन में सूट पहनना चाहिए। वैसे तो नहीं पहनना चाहिए क्योंकि अभी अप्रैल मई में गर्मियां बढ़ती हैं, तो इट इज नॉट अ कंफर्टेबल थिंग, लेकिन कुछ लोग पहनते हैं। अभी कुछ इंटरव्यू एक्सपर्ट्स ऐसा बोलते हैं कि अगर आपने आईपीएस फर्स्ट प्रेफरेंस दिया है, लेकिन आपकी फिजिक बॉडी आवाज वगैरह से इतना दमदार नहीं है आपका केस, तो फिर आपने सूट पहनना चाहिए क्योंकि वो आपकी शोल्डर लाइन को और ज्यादा शार्प और कमांडिंग प्रेजेंस देता है। फॉर एग्जाम्पल ये कैंडिडेट देखिए, यही आदमी है सेम टू सेम, लेकिन यहाँ पर क्या है, वो सिंपल शर्ट है तो शोल्डर लाइन ऐसी होगी, लेकिन जब आप सूट पहनते हैं तो उसका वो कपड़े इधर पैडिंग होता है, तो वो ऐसी शोल्डर लाइन को शार्प दिखाता है। सो इट इंस्पायर्स मोर कॉन्फिडेंस, ऐसा कुछ लोग बोलते हैं। मुझे पूछा जाए तो मैं ये थियरी को इतना सब्सक्राइब नहीं करता क्योंकि बहुत सारे लोग सिंपल शर्ट में ही सिलेक्ट हुए हैं या शर्ट और टाई कॉम्बिनेशन में ही सिलेक्ट हुए, लेकिन कुछ लोग बोलते हैं। और मैंने आपको बताया मैं कैटेलॉग बनाता हूँ, क्या गलती और क्या सजेशन दिए गए, तो कैटेलॉग के हिसाब से जिम्मेदारी है मुझको बताना। अच्छा, ऐसा कुछ लोग बोलते हैं, इफ यू वॉन्ट टू सब्सक्राइब तो ये भी थियरी है। दूसरी बात, जो आपने पहनना है, अगर आप डिसाइड करें पहनना है तो सूट पहनना है, ब्लेजर नहीं। अब ब्लेजर और सूट में क्या फर्क है, ये क्या है, ये मेरा पैंट अलग कलर का है, शर्ट अलग कलर का है और ये कोट अलग अलग कलर का है, तो इसको हम सूट नहीं बोल सकते, मे बी इट इज अ ब्लेजर। सूट क्या होता है, ये ऊपर का मटेरियल और नीचे का मटेरियल वो सेम टू सेम कलर, सेम टू सेम मटेरियल में से, शायद क्या ऊपर वाला मटेरियल थोड़ा अलग होगा लेकिन कलर सेम है, तो मतलब वो एक पीस जो बनता है दैट इज कॉल्ड अ सूट। अभी जो सूट पहनते हैं तो उसमें नियम ये माना जाता है कि इफ यू आर वियरिंग अ सूट देन टाई इज कंपल्सरी, सूट पहना तो टाई पहनना कंपल्सरी है, बिना टाई के सूट पहना तो वो मतलब होटल के अंदर जो गाना गाते हैं अमेरिका में, ऐसे कॉकटेल सिंगर के लिए वो है ड्रेस कोड। ऐसा मैं नहीं बोलता, ऐसा जो डिफेंस सर्विस में उनको सब ड्रेस एटिकेट और कैसे वो उनके बॉल रूम नेवी बॉल रूम में कैसे बिहेव करना है वो सब थियरी समझाते हैं, तो वो ऐसा समझाते होंगे उनको। सो टाई इज कंपल्सरी इफ यू आर वियरिंग अ सूट, वरना वो उसके मेंटल फ्रेम में नहीं है तो बराबर बैठ नहीं रहा है। अभी ये सूट भी अलग अलग टाइप के आते हैं, एक बटन वाले होते हैं, दो बटन वाले होते हैं, आप अपने हिसाब से ले सकते हैं इफ यू वॉन्ट इट। तीन बटन वाला नॉट रिक्वायर्ड, उसका कारण मैं आगे की स्लाइड में आपको बताऊं। देखिए जो सूट पहना है तो एंट्री और एग्जिट में यू नीड टू मेंटेन सम एटिकेट, वो ये है कि आप एंट्री लेंगे तो आपका बटन बंद होना चाहिए, फिर जब आप बैठेंगे बैठने की परमिशन लेंगे तब आपने ये बटन खोल के फिर बैठना है, फिर आप जब आपको बोलेंगे आप जा सकते हैं इंटरव्यू खत्म, तब खड़े होंगे तब वापस से ये वाला बटन बंद करना है और जाना है। सो एंट्रिंग बटन क्लोज्ड, जस्ट बिफोर सिटिंग ओपन द बटन, लीविंग टू स्टैंड अप क्लोज द बटन, ये सब एकदम फ्लॉलेस स्मूथ मक्खन जैसा बिना गलती के होना चाहिए। आपसे नहीं संभल रहा है तो क्या है, मैंने आपको बताया नॉट नेसेसरी टू वियर द सूट, तो मत पहनो, ऐसे खुले खुले मत आओ, दैट इज अगेन वो बराबर नहीं है उनके जो भी एटिकेट के हिसाब से बस ना। तो इसमें तो मतलब बटन बंद करके ही बैठ जाते हैं ना, सूट पहन के बटन बंद ही रखते हैं और बैठ जाते हैं, इसमें क्या गलती है। गलती ये है कि वो आपकी चेस्ट को कंप्रेस कर देगा, आप ठीक से सांस ले नहीं पाएंगे। अगर बटन बंद रख के आप बैठते हैं इंटरव्यू देने के लिए तो बॉडी में ऑक्सीजन कम जाएगी, तो स्ट्रेस बढ़ेगा, फटीग बढ़ेगी और गर्मी भी ज़्यादा लगेगी तो और स्ट्रेस बढ़ेगा, तो आपको मतलब जवाब देने में उतनी दिक्कत आएगी। और दूसरा, अगर आप बंद बटन के साथ बैठेंगे तो ये क्या होगा, इधर गुब्बारा हो जाएगा कपड़े का, एंड दैट डजंट लुक गुड, यू वॉन्ट टू इंस्पायर कॉन्फिडेंस कि एकदम शार्प अपनी लाइन होनी चाहिए सब। तो सूट पहनना अनिवार्य नहीं, लेकिन पहनना है तो ये सब ध्यान रखो, अदरवाइज अवॉइड इट। तो ड्रेस कोड फॉर बॉयज एंड गर्ल्स कंप्लीट, नाउ सम जनरल टिप्स। जनरल टिप्स में आप दिल्ली में जानते हैं पोल्यूशन ज्यादा है और इधर उधर ट्रैफिक उतना होता है कि सुबह तो आदमी पहले तो ये स्ट्रेस में लगे कि मैं पहुंच पाऊंगा कि नहीं यूपीएससी ऑफिस तक, और मान लीजिए आपका सेशन आफ्टरनून में है और ये सब गर्मियों की सीजन धीरे धीरे शुरू हो, तो ये देखिए ये कैसा है, थका मांदा हुआ दिखता है आदमी, ही मे बी अ वेरी चार्मिंग एंड इंस्पायरिंग पर्सनालिटी, लेकिन थका मांदा दिखता है वो, आप ऐसा दिखना चाहते हैं तो क्या करना है। उसका सॉल्यूशन ये है, ये सब आजकल फेस वॉश क्रीम आते हैं, जैसे मॉइस्ट वाइप्स आते हैं, कुछ लोगों को पता होगा, कुछ लोग स्मॉल टाउन में छोटे शहरों में गाँव में रहते हैं उनको ना पता हो, तो ये क्या होता है, असल में टिश्यू पेपर जैसा ही होता है जो
उसमें मतलब ऐसा केमिकल पानी जैसी कोई चीज होती है, आप उसको चेहरे को पहुंचे तो तुरंत फ्रेशनेस आ जाए, मतलब जो ऑयल है धूल है मिट्टी वो चली जाए। ये सब मिलता है और छोटे छोटे पैक में भी मिलता है 20-25 रुपए में, तो यू कैन एक्सपेरिमेंट। ध्यान क्या रखना है, ऐसी कुछ चीजें लेके जानी चाहिए तो जब आपका वॉशरूम में आपको जरूरत पड़े उस हिसाब से आप उसको यूज कर सके। अभी ध्यान ये रखना है कि जब आपने टाई पहनी है और आप चेहरा धो रहे हैं तो टाई वॉश बेसिन में गिरनी नहीं चाहिए, वरना वो गीली हो जाएगी। और उसी तरह आपके शर्ट के ये जो चीज़ है ये भी गीली नहीं होनी चाहिए, तो वो सब ध्यान रखना है। छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन कई लोग जो सीधा इंटरव्यू हॉल में पहुंच जाते हैं, टाइम और वो सब उन्होंने कभी पहले प्रैक्टिस ना किया हो तो गलतियां होती रहती। तो जो सजेस्ट किया जाता है कि मॉक इंटरव्यू देने चाहिए, वो क्यों देने चाहिए, ये सब आपको थोड़ा थोड़ा एक्सपोजर मिले तब इट विल हेल्प यू देयर। अब ऐसा भी नहीं कि मान लीजिए आपकी टाई गीली हो गई या खराब हो गई तो आपको इंटरव्यू से निकाल देंगे, नहीं, आपको रिजेक्ट कर देंगे, नहीं, लेकिन आप खुद के दिमाग में डर जाएंगे कि ये मेरी टाई ऐसी गंदी हो गई और सर देखेंगे और अच्छे मार्क्स नहीं देंगे, तो अननेसेसरीली आप उस टेस्ट में अच्छे जवाब दे नहीं पाएंगे। सो यू वॉन्ट टू बी कॉन्फिडेंट, इसलिए ये सब छोटे छोटे काम करने।